Hello friends, welcome again to the world of Maths by Amiya. So there is a classical question sent by Mr. Gaurav Mitra. So the question is in front of you, an algebra and a classical question. I would say please pause the video, must try this question. I hope आपने वीडियो पॉज किया होगा and क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा. तो दिस वन इज कॉल्ड अ कंडीशनल अलजेब्रा. कंडीशनल अलजेब्रा में होता है कि आपके पास कंडीशंस होती हैं, उसके डिफरेंट आउटपुट्स होते हैं. अगर आपको आउटपुट्स याद हैं तो क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. अगर नहीं याद हैं तो यू हैव टू गो विथ बेसिक अप्रोच. तो दोनों में कोई हर्ज नहीं है, आप बेसिक अप्रोच कैसे भी जा सकते हो, या अगर आउटपुट याद है तो. सो दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशनल अलजेब्रा. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. दिस वन इज अ फॉर्म ऑफ जीपी सीरीज. वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो नेक्स्ट जो जीपी सीरीज होगा वो माइनस एक्स क्यूब होता है इक्वल टू वन. तो व्हेन यू हैव अ जीपी सीरीज स्टार्टिंग विथ वन इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट जीपी सीरीज वन होता है, मैं बोल सकता हूं एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस वन होगा. एंड सिंस अ लार्जर पावर एक कांस्टेंट के बराबर है, तो वी कैन से इसके रूट्स भी, जो कि ए और बी हैं, का क्यूब भी आपका माइनस वन होगा. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है. बट ये आया कैसा, इसको देखते हैं. तो मैं बोलता हूं आपसे, चलो ठीक है, वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. मैं दोनों साइड एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करता हूं. उधर तो कुछ मल्टीप्लाई करके होगा नहीं, ये दिखेगा क्या, एक्स क्यूब एंड द ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो यहां से दिखेगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन. तो आप बोलोगे सर मुझको सपना थोड़ी आएगा कि मैं एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करूँ. चाहे तो आप इसको याद कीजिए या सपना आए. अगर सपना नहीं आता है तो आपको करना क्या होता है, एक छोटा सा जीपी का फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन. इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट टर्म को मैं मानता हूं वन, कॉमन रेशियो मेरा माइनस एक्स है एंड थ्री टर्म है माइनस वन, डिवाइड बाई आपका क्या है, कॉमन रेशियो माइनस एक्स है एंड माइनस वन इक्वल टू जीरो. तो यहां से आप निकाल सकते हैं, अच्छा ये जीरो है तो डिनोमिनेटर का काम नहीं है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो. सो माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन और एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन. तो चाहे तो आप याद रखिए या आपको सपना आए या आप इस टाइप से इसको आपको पता होना चाहिए. दिस वन इज कॉल्ड अ कंडीशनल अलजेब्रा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब इसके सारे कंडीशन को देखते हैं. तो अगर आप इसको गौर से देखोगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन दिख रहा है आपका. दैट वन इज कॉल्ड द थर्ड रूट ऑफ माइनस वन और क्यूबिक रूट ऑफ माइनस वन, बेटर नॉट अ थर्ड रूट, दोनों एक ही वर्ड है. तो हमें इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. तो मैं जो कॉन्सेप्ट्स लिखता हूं आप इसको याद रखिए. अगर पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे अल्फा बीटा या ए बी का वैल्यू निकाल के सॉल्व करना होगा. मैं बोल सकता हूं अगर रूट्स मेरा ए है तो ये दिखेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन इक्वल टू जीरो. सिमिलरली हम बोल सकते हैं यहां से ए क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन. आई डोंट थिंक यहाँ कोई पंगा होगा, आप इसको याद रखिएगा, बिकॉज मैंने जीपी लगाया या मुझको सपना आया या मुझको जीपी का टर्म पता है. सिमिलरली अगर मेरा बी रूट्स है तो बी इसको सेटिस्फाई करेगा, प्लस वन बराबर जीरो. दैट मींस बी क्यूब का वैल्यू भी माइनस वन होगा, ये मुझको पता है. ठीक है, अब इस दोनों में आप किसी पे भी काम कर सकते हो. तो द फर्स्ट आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए. थर्ड बात के लिए आप चाहे तो इक्वेशन वन को आप लिख सकते हो क्या, ए क्यूब प्लस वन बराबर जीरो. यहाँ तो कोई डाउट है, मैं ए से डिवाइड करता हूं, मुझको पता है ए इज नॉट जीरो. मैं बोल सकता हूं ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए इज इक्वल टू नथिंग बट जीरो. ठीक है, अब ये वन बाई ए का वैल्यू क्या है, अगर ए और बी आपके रूट्स हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर आप गौर से देखोगे तो वन देता है. तो यहां पे दिखता है ए इज इक्वल टू वन बाई बी. ये आपका थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, या कंडीशन है इसका. अगर वन बाई ए को हम बी लिख दे या बी का वैल्यू वन बाई ए होगा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी. ये मुझे पता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी. सिमिलरली हम लोग यहां से, दिस वन इज अ फोर्थ कंडीशन जो आपको पता होना चाहिए. फिफ्थ कंडीशन मैं यहां से बोल सकता हूं बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए. तो टोटल मिला जुला के आपका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है. पहला, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो है एंड रूट्स आपके अल्फा बीटा है, तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दोनों का वैल्यू माइनस वन होता है, या आपको सपना आ सकता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन होता है, और एक्स क्यूब के बदले ए और बी डाल सकते हैं. या दूसरा आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा वन होता है, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए. वहां से आपको दिख सकता है कि वन ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट्स. एंड इस कंडीशन के साथ मैं आगे बढ़ सकता हूं कि ए क्यूब प्लस वन बराबर जीरो दिया हुआ है, या यहीं से हम लोग बोल सकते हैं, अगर मैं ए डिवाइड कर दूं, आप यहां से भी बोल सकते हैं इसमें a squared is equal to minus 1 by a and minus 1 by a is equal to b. So b squared is equal to minus a और यहाँ ये सारा कॉन्सेप्ट आपको दिखना चाहिए. तो अगर आपके पूरे कंडीशंस यहाँ पे आपके पता है तो आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो. तो क्वेश्चन क्या था, a रेज टू पावर 16 माइनस b रेज टू पावर 32 का वैल्यू क्या है. सिंपल सा है, a रेज टू पावर 16 मैं यहाँ पे काम करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा b32 इज इक्वल टू a16. और अगर दोनों बराबर है तो डिफरेंस इनका जीरो होगा. ये हार्डली 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन है. अगर आपको ये कंडीशंस पता है तो, अगर नहीं पता है तो कंडीशंस आप निकाल सकते हैं, या अगर आपको नहीं पता है तो किसी एक रूट्स को माइनस बी प्लस माइनस बी से पुट कीजिए, स्क्वायर कीजिए, गेट कीजिए, आंसर निकालिए. तो आई वांट कि आप वीडियो पॉज कीजिए. आंसर तो मेरा 0 आ गया एंड आप कीजिए क्या, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं चाहता हूं कि आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने फोल्डर्स में इसे रख लीजिए और देखिए कि आपका जब भी एग्जाम हो तो इस स्क्रीनशॉट को एक बार रिवाइज कर लीजिए. आई होप ये क्लियर है. थैंक्स गोविंद आस्किंग वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा, जिसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं और बेटर कंडीशनल अलजेब्रा. आई होप इट इज ओके. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क डाउट फ्रॉम द गूगल फॉर्म जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.